अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग और स्टाइलिश हैंडबैग लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से है और बहुत ही आपको हर टाइप के इस वीडियो में डिज़ाइनिंग मिलेगी कि आपको किस तरह के हैंडबैग्स लेने चाहिए, किस तरह के बाय करने चाहिए। तो आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, हर टाइप के आपको इस वीडियो में हैंडबैग्स नजर आएंगे, जो आप इजीली किसी भी मार्केट से बाय कर सकती हैं। सो प्लीज़, अगर आप चाहती हैं कि हम अपने हैंडबैग्स बहुत अमेजिंग और स्टाइलिश लें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वॉच वीडियो ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा हो। और आई होप आपको ये तमाम डिज़ाइनिंग, ये तमाम मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, रिलेटिव में करें, ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो को देख कर कुछ फ़ायदा हासिल करें। और आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ बनेंगे कि आपको बैग किस तरह से लेने चाहिए। मतलब कि बहुत ही, मतलब कि आज कल तो इनका ट्रेंड बहुत है, हर मोस्टली गर्ल्स के पास हैंड बैग्स होते हैं, उनमें अपना मतलब कि हर अपनी चीज़ रखी होती है जिनकी उसे उन्हें ज़रूरत होती है, जैसा कि मेकअप वगैरह। मोस्टली गर्ल्स वो बैग्स में उन्होंने रखे होते हैं मेकअप वगैरह, उनकी ज्वेलरी और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स और हर मतलब के चार्जर, हैंड फ्री, हर टाइप के जो उनके फैशन होते हैं, मतलब जो भी उनकी थिंग्स होती हैं वो अपने बैग्स में ही रखती हैं। और इसीलिए हैंडबैग्स मोस्टली गर्ल्स लेती हैं, ताकि हम अपनी अपनी जो हमारे यूज़फुल जो थिंग्स हों वो हम अपने बैग्स में रख सकें। तो आप प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडबैग्स लें, तो वो वीडियो ज़रूर आज तक वॉच कीजिएगा। और आप ये कहीं से भी, किसी भी मार्केट से बाय कर सकती हैं, किसी भी मॉल से। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो वो भी ऑनलाइन किसी भी मार्केट से, सॉरी किसी भी वेबसाइट से बाय कर सकती हैं। आपको जिस तरह के आइडियाज अच्छे लगे, अब तो इनका ट्रेंड बहुत है, ये तो हर मार्केट से और हर वेबसाइट पे इस तरह के हैंडबैग्स बाय किए जा रहे हैं, तो आप भी वहाँ से बाय कर सकती हैं। तो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि आपको मेरी आज की कलेक्शन कैसी लगी, मेरे हैंडबैग्स कैसी लगी, ये मेरी डिज़ाइनिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कमेंट में मेरी हर वीडियो देख कर राय ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी व्यूअर्स को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, मेरे आइडियाज़ जो मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो मुझे तभी आपके आइडियाज़ का पता चलेगा और तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और मेरे आइडियाज़ कैसे लगे जो मैंने आपसे शेयर किए। और नेक्स्ट टाइम मैं वही लेकर आऊँ जो मेरे व्यूअर्स की चॉइस हो। तो आप प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताया करें कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या चॉइस है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वही लेकर आऊँ जो मेरे व्यूअर्स को पसंद हो। और आई होप आपको ये भी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, ये तमाम पर्स, इसे आप पाउच बोल सकती हैं, पर्स बोल सकती हैं, हैंडबैग्स बोल सकती हैं, जो कुछ मतलब के जो आजकल ट्रेंड है तो आप वो बोल सकती हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, अपने रिलेटिव में करें, ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो को देख कर कुछ फ़ायदा हासिल करें। और मैंने जब ये हैंडबैग्स देखे थे तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था, मुझे भी इनमें से बहुत ही मोस्टली अच्छे लगते हैं, मतलब एक नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इतने ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हमें ना एक मतलब कि बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल और जो सबसे अच्छा और यूज़फुल रहे, तो आप वही लीजिएगा। जैसा कि आपको जो इसमें से अगर ये अच्छा लगा तो आप मतलब देख कर लें कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, जो आपके लिए बेस्ट रहे, जिसमें आपकी जो यूज़फुल थिंग्स है वो आपके बैग में पूरी आ सकें, और आपकी जो कुछ भी मतलब आपको जो अच्छा लगे वो ही ले। और वीडियो ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखा करें मुझे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।